ये है कावासाकी की Z650RS 2023 मॉडल, और आज मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि भाई 2023 की इसकी प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कितने फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं। तो ये कावासाकी की एक रेट्रो क्रूजर बाइक है, और आप इसको फ्रंट से देखेंगे और एक पहले आप यहाँ पर देखो हेडलाइट में, ये पहली बाइक है जिसमें कोई बल्ब नहीं लगा हुआ, सिर्फ चिप लगी हुई है। ऊपर से दिखाओ भाई, ऊपर से ये आप यहाँ पर देखेंगे चिप लगी हुई है। और अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे बड़ा छोटा सा साधारण सा बल्ब आपको लग रहा होगा, लेकिन जब स्टार्ट करूँगा ना भाई तब एकदम एकदम हल्के में नहीं लेंगे आप। तो ये है इसका फ्रंट लुक। अब यहाँ पर आपको एक राउंड हेडलाइट मिलती है, और बाइक को हल्के में बिल्कुल मत लेना इसकी हेडलाइट को देखकर। अभी आप और आगे देखो, आप इधर से देखेंगे ड्यूल डिस्क ब्रेक 300 mm की मिल रही है ये, और ड्यूल डिस्क ब्रेक है, और इसके अलावा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, क्योंकि ये रेट्रो क्रूजर है तो वहाँ पर आप साइड डाउन की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे भाई इस बाइक को, तो टीयर ड्रॉप शेप इसके टैंक का बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैट है, यहाँ पर ब्लैक है, ये ग्लॉसी है, यहाँ पर कावासाकी लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर आपको 3D में Z650RS लिखा हुआ है, और ये डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हैं। और अगर इसको हटा दिया जाए ना भाई, तो एकदम मतलब बहुत गजब की लगेगी ये बाइक। अब यही अगर आप इसको पीछे से देखेंगे, टायर तो आप जानते हैं 650cc की बाइक है, चौड़े तो मिलते हैं, 160mm का वाइड रेडियल टायर मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और इंडिकेटर आप देख ही रहे हैं, हजार्ड लाइट के साथ आपको दिखा देता हूँ कि आप पीछे से देखें इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है, और इधर से भी आप देख ही लो कि जैसे Z650RS इस पर लिखा हुआ है, ये ग्लॉसी है, ये मैट कलर है, इंजन उंजन एकदम मैट कलर में है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसमें लुक दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से दिखाना शुरू करो भाई। यहाँ पर मैं इसको ये चाबी, ये इसका पेट्रोल टैंक का कैप है भाई, और ये मैं इसकी पहले आपको चाबी दिखा देता हूँ। चाबी बहुत भयानक है, ये देख लें, ये कावासाकी Z650RS की चाबी है, खोल के इसको दिखाऊंगा। ये आपने देखा, ये रही, ये बंद हुई, और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इंजन किल की स्विच, सेल्फ की स्विच, यहाँ पर आप देखेंगे अप डाउन की बटन है, ये आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, और ये हजार्ड लाइट, ये हॉर्न की बटन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंपल सा डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको ये दोनों इंडिकेटर हैं। ऑन करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, जहाँ पर आपको स्पीड, ये RPM यहाँ पर बताएगी, न्यूट्रल और ये हाई बीम की लाइट है, यहाँ पर ये लाइट जल रही है RPM की, यहाँ पर चेक इंजन लाइट, ABS की लाइट, यहाँ पर आपको फ्यूल गियर पोजिशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको टेम्परेचर, और 3:22 मतलब ये अभी टाइम भी बता रही है लेकिन गलत है, और यहाँ से अप डाउन करूँगा तो ये AB एवरेज माइलेज, और यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति लीटर, यहाँ पर आपको ट्रिप B, ट्रिप A, ओडोमीटर, रेंज, इतनी सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल जाती है। बाकी लो बैटरी लो फ्यूल का आपको ऊपर इंडिकेशन इसमें मिल जाता है। अब इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे भाई, तो ये ड्यूल सिलेंडर की बाइक है। पहले इंजन आकर दिखाओ भाई, इंजन पहले रेडिएटर दिखाओ। ड्यूल सिलेंडर की अगर आप इनकी कावासाकी की बाइक चाहते हैं 650cc की, तो ये बाइक आपको मिलेगी। और जैसे 650 आती है, तो ये इधर दिखाओ, इसमें आपको 649cc का ड्यूल सिलेंडर वाला इंजन मिलता है। 68 HP की पावर मिलती है, 8000 RPM पर 64 Nm की टॉर्क मिलती है, 6700 RPM पर दो सिलेंडर मिलते हैं, 83 mm बोर है, 60 mm इसका स्ट्रोक है, 8 valve DOSC सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, स्लीपर क्लच भी इस बाइक में आपको मिल जाता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और ड्यूल चैनल ABS तो छोटी मोटी बात हो गई, और साइलेंसर का डिज़ाइन आप देखो पूरा इतना भयानक है भाई कि देख के हिल जाओगे आप। एकदम इधर से दिखाओ, इतना भयंकर साइलेंसर इसमें दिया गया है भाई, और ये ड्यूल पाइप है क्योंकि ये ड्यूल सिलेंडर के साथ आती है। यहाँ पर आप देखेंगे 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 300 mm की डिस्क ब्रेक मैंने आपको दिखाई हुई है, और अगर टायर साइज आप देखेंगे 120 ये 70 ZR17 का इसमें आपको टायर मिल जाता है, तो ये इसमें भाई अच्छी बात है। अब इसके अलावा अगर हम इसके प्राइस की बात करें भाई, कितना, 8 लाख 20 हज़ार, हाँ 8,20,000 ऑन रोड प्राइस है कावासाकी Z650RS की लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और ये है कावासाकी मोटो हब लखनऊ उत्तर प्रदेश का शोरूम है। अब बारी आती है इसके साउंड सुनने की, पहले आप लाइट देखेंगे, लाइट दिखाओ,
फ्रंट लाइट और इधर आओ। तो भाई ये इसके साउंड था, एक बार और कर लेगा। भाई इतनी भयानक आवाज़ है ना, जैसे अब मोबाइल में उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ना, इतना रोर है इसमें ना, थरथरा रही है, मतलब लग रहा है कि हाँ मैं पैसे लगा रहा हूँ। बट ये ड्यूल सिलेंडर की बाइक है, Z900 आपके बगल में खड़ी है, 4 सिलेंडर की बाइक है, 10,60,000 की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके लीवर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए इसमें एडजस्टेबल लीवर, इधर भी दिखाओ, इधर इसका ब्रेक लीवर है और ये एडजस्टेबल है, और ये इसके डिस्क ब्रेक का सिस्टम है। अगर हम माइलेज की बात करें तो लगभग आपको मिलेगी इसकी माइलेज 20 के आसपास, इसकी माइलेज आपको मिल जाएगी। और इसमें फ़िलहाल यही एक कलर यहाँ पर खड़ा हुआ है और सारी गार्ड वार्ड इसमें सब कुछ लगा हुआ है भाई। तो ये बाइक आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर दें, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है बहुत कम समय में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को बाइक वाइन मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, अरे यार राहुल को तो बैठा है नहीं, राहुल भाई बैठ कर दिखाओ तुम जरा, राहुल जाकर बैठ कर दिखाओ, तब हम बताएंगे इसका वो। हाँ तो भाई अब देखिए आप लोग राहुल भाई हमारे कैसे लग रहे हैं। ये Z900 पर भी इनको हमने बैठाया था, Z900 पर भी ये बैठे थे, 800 mm सीट हाइट है, तो कैसी लग रही है? अच्छा 125 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का, 1405 mm इसका व्हील बेस है, 192 किलोग्राम इसका वेट है, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है भाई। तो ओवरऑल विड्थ है 800 mm, 41 mm का हमने आपको सस्पेंशन बता दिया है। फ्रेम की बात करें ट्रेलिस हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम इसमें आपको मिल जाता है। फ्रंट व्हील का ट्रेवल है 125 mm और पीछे रियर व्हील का ट्रेवल है भाई 130 mm। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, इसका स्विंग आर्म अगर आप देखेंगे एल्युमिनियम वाला ही है, लेकिन वो अलग तरीके से ही बनाया गया है। और टायर आप देखेंगे 160/60 ZR17 का भैया टायर है, जो कि 160 mm भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है इसका मोनो सस्पेंशन, जो कि सिस्टम आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना भयानक और पावरफुल इसमें सिस्टम दिया गया है। तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है, ये 650 cc का इंजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, और जो मारुति में सिस्टम आते हैं वो यहीं पर देख रहे हैं आप। तो भाई ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है और ना छोटी मोटी बात है इसको ख़रीदना। आपको देखने में तो कुछ साधारण लग रही होगी, लेकिन जो जैसे जो पावर के शौकीन होते हैं उनको पता है कि इस टाइप की बाइकों की वैल्यू क्या है। तो इसलिए सब लोग जिनको पता है वो इसको तो प्यार करते ही हैं। टायर आप देख रहे हैं उधर, Z900 मेरी फेवरेट बाइक है भाई ये। तो ये अब ये बाइक आपको कैसी लगी दोस्तों आप लोग अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।